बच्ची ने शिक्षक के ऊपर लगाया मारपीट का आरोप। नवोदय विद्यालय प्रबंधन के ऊपर पूर्व में भी आरोप लगे चुके। न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। डिंडोरी जिले के नवोदय विद्यालय धमन गांव में बच्ची ने शिक्षक के ऊपर लगाया मारपीट का आरोप। नवोदय विद्यालय प्रबंधन के ऊपर पूर्व में भी अनेक आरोप लगे चुके हैं। ताज़ा मामला अभी का, जिसमें बच्ची को हंसना महंगा पड़ा जब बच्ची क्लास में हंस रही थी, जिसके कारण शिक्षक ने बच्ची की पिटाई कर दी। बच्ची को जिला अस्पताल में इलाज कराने के बाद पुनः विद्यालय भेज दिया गया। वही बच्ची के पिता ने भी आरोप लगाया है कि पूर्व में भी बच्ची प्रताड़ना के कारण सुसाइड नोट लिखी थी, इसके बाद भी नवोदय प्रबंधन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि अभी बाल संरक्षण सप्ताह चल रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बालकों पर होने वाले अपराध कैसे रुकेगा, जब जिम्मेदार ही बालक बालिकाओं से मारपीट करते हैं। मौसी बता, क्या घटना घटी थी? हम पीछे मुख के देख रहे थे, सर सर वो लोग बता दिए थे कि सर वो पीछे मुख के देख रही है करके, तो फिर उसके बाद पीछे मुख के फिर सर समय को देख के हाथ रहे थे, तो मैं भी हाथ दी, उसके बाद सर पीछे हाथ किए थे, उसके बाद मार दिए। कहाँ मारे थे? तो बेंच में। कहाँ लगा है? लगा हुआ है, दर्द कर रहा है। कैसा करके मारे थे बेटा? पीछे हाथ करके तो मारा। पीछे कर रहे हैं हाथ, कैसे कर रहे हैं? कैसे पीछे कर रहे थे हाथ? एक हाथ को पकड़ के मारे थे। और क्या बोल रहे थे सर? वो ऐसे हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। हाँ, तो तुम क्या बोले थे बेटा? वो बाकी लोग बोल रहे थे कि हंस रहे हैं, तो फिर लोग बोल रहे थे कि रो रहे हैं। कौन मां साहब ने मारा आपको? नाम मालूम है? क्या नाम है? नाम नहीं पता। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? धमन गार्डन डारी। धमन गाँव में? नवोदय विद्यालय। नाम बताओ ना सही। नाम क्या है स्कूल का? जवाहर विद्यालय। ये जो बच्ची आई है वो आपकी बच्ची है? जी, मेरी बच्ची है। अभी क्या घटना घटी है? अभी इसके साथ में जो घटना घटी है सर, तो ये ऐसे इस टाइप से घटना घटी है, ये बच्ची नवोदय में पढ़ रही थी, इसके मतलब ये कोई प्रकार से दिक्कत तो पहले नहीं था, मतलब दो चार दिन पहले तो अच्छा रह रही थी अभी, लेकिन बसरते बात ये है कि वहाँ रहने के बाद में उसको सर मतलब थोड़ा सा प्रताड़ित कर रहे थे, बच्चे प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए ये बच्ची वहाँ पर मतलब कुछ कारण से हंस रही रही होगी, हंसती रहती है, इसका काम ही है हंसना, लेकिन इसके हंसी को देख के और फिर सर इसको मारे, और मारने के बाद में इसको अब बोल रहे कि तुम हंस रही हो कि रो रही हो, इस टाइप से उसके तरीके से मतलब बच्ची के साथ में बर्ताव किए। इसके पहले भी इस बच्ची का कोई और? हाँ, इसके पहले बच्ची के साथ में घटना घट रहा था, मेरे बच्ची को आज चोरी का एग्जाम पूरे बच्चों के द्वारा लगाया गया था, और चोरी लगा के मेरे बच्चों को और इसको सुसाइड नोट मतलब लिखवाया गया था, और सुसाइड नोट बच्ची मेरी लिखी थी, यदि किसी प्रकार से घटना घट जाती तो मेरी बच्ची आज मतलब मेरे से अलग हो जाती, इनका ज्यादा कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप स्कूल प्रबंधन के उसमें? जी सर, स्कूल प्रबंधन के उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? प्रबंधन के बारे में मैं सर ये चाहता हूँ कि इसके बताने के अनुसार से और वहाँ के घटना घटने के अनुसार से उनके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और सही तरीके से बच्चों को रूटीन से रखनी चाहिए, मेरा इतना उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं है। यदि इस टाइप से कौन सा स्कूल है जी? कौन से स्कूल में बच्ची पढ़ती है? ये जवाहर नवोदय विद्यालय धमन गाँव जिला डिंडोरी पढ़ती है सर।